Redmi Note 11 Pro। हाँ गाइज, यहाँ पे Redmi की तरफ से Redmi का Note 11 Pro आने वाला है। इस वीडियो में बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में, कैसा होने वाला और कैसा नहीं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने प्यार दिखाया था, बहुत सपोर्ट किया था, तो इस वीडियो में भी बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में, Redmi Note 11 Pro के बारे में। तो पूरा में देखेंगे, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपने अभी तक नहीं किया है। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर, यहाँ पे जो Redmi की तरफ से Redmi का Note 11 Pro होने वाला है, ये बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है और यहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने मिलेगा Redmi की तरफ से। बात करते हैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में, देन बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन में, बिल्ड डिजाइन में। तो यहाँ पे इस बार आपको अच्छा प्रीमियम लुक देखने मिलने वाला है Redmi के Note 11 Pro में। Note 10 Pro में भी अच्छा डिजाइन मिला था, बट इस बार भी आपको अच्छा डिजाइन देखने मिलेगा, प्रीमियम होगा तो लुक चेंज होने वाला है। तो अच्छा डिजाइन में आपको बोला जा रहा है, शायद मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एम आई इलेवन एक्स नहीं एक दूसरा फोन चाइना में लॉन्च हो जो मुझे बहुत अच्छा लगा था डिजाइन में, वैसा अगर इधर देखने मिल जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। डिस्प्ले में बात कर लेता हूं, तो यहां पे आपको जो वो 6.5 इंच का या तो 6.67 इंच का एक फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा, 6.5 नहीं मिलेगा, 6.67 इंच का एक फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा। सुपर एमोलेड होगा, सेंटर पंच होल होगी और 120 रिफ्रेशिंग डिस्प्ले भी आपको देखने मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। तो ओवरऑल आपको डिस्प्ले जो है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम और बहुत अच्छा मिलने वाला है इस फोन के अंदर। आगे बात कर लेता हूँ यहाँ पे मैं इसके चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो स्नैपड्रैगन का 780G देखने मिल सकता है जितने लीक से मुताबिक, और कहीं कहीं स्नैपड्रैगन 775G भी बोला जा रहा है। तो यार कंफर्म मतलब अभी कंफर्म नहीं है चिपसेट के मामले में, बट हाँ दोनों चिपसेट बहुत अच्छे हैं, दोनों 5G हैं, तो आई थिंक हाँ डेफिनेटली फोन तो 5G होने ही वाला है। आगे बात कर लेता हूँ कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे जो मेन कैमरा होगा वो 108 मेगापिक्सल का होगा और अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर माइक्रो लेंस भी देखने शायद मिल जाए, माइक्रो शायद ना मिले, हो सकता है, लेट्स सी। सेल्फी में यहाँ पे आपको सेंटर पंच होल के साथ 20 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने मिल जाएगी, तो ओवरऑल वो भी आपका अच्छा काम कर दी। ऑन पेपर्स कैमरास बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं। बैटरी में बात कर लेता हूँ, 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप सी होगा, 25 वोल्ट नहीं सॉरी 25 वोल्ट यहाँ पे कहाँ था, यहाँ पे आपको जो 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने मिल सकती है जितना लीक से मुताबिक बोला जा रहा है। बिकॉज नोट 10 प्रो में आपको 33 वोल्ट मिला था, इस बार इसको डबल करके यहाँ पे आपको 67 वोल्ट मिल सकता है। आई थिंक होता है तो बहुत ज्यादा जल्दी आपको फोन चार्ज होगा, बैटरी भी 5000 है तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। यूआई में एंड्रॉयड 11 आपको आउट द बॉक्स मिल जाएगा, चाहे तब तक 12 आ जाए मोबाइल में शायद मिल जाए आउट ऑफ द बॉक्स, एंड ये आप लोगों को MIUI के साथ रन करने वाला है। ये पूरा Redmi का Note 11 Pro जो आपको इंडिया के अंदर, बात कर लूँ कब आएगा, तो इंडिया के अंदर जो है वो आपको ये जुलाई के एंड में या तो अगस्त में मिल सकता है। अभी बहुत इंतजार करने की बात है क्योंकि ये फोन आप देखेंगे Note 10 Pro अभी अच्छा चल रहा है और इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो लेट्स वाई ये जो नोट 11 प्रो होगा ये आप लोगों को जुलाई के एंड में या तो अगस्त में मिल सकता है इंडिया में। तो अगर इंतजार कर रहे हो तो कर सकते हो, कमेंट करके मुझे अपनी राय भी बता सकते हो कि फोन आप कितना वेट कर रहे हो कितना नहीं। और अंडर प्राइस और फाइनल में बात कर लेता हूँ, तो इस फोन का प्राइस जो होगा वो अंडर 20,000 रुपीज़ होने वाला है, मतलब 20,000 रुपये के नीचे में बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। आई थिंक 20,000 रुपये में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होगा, अगर ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होगा अगर 20,000 रुपीज़ के नीचे ये फोन आता है तो। और कमेंट करके आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, बिकॉज मुझे पर्सनली इस फोन का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्रीमियम लगा, सुपर एमोलेड मिल जाता है, सेंटर पंच होल मिलती है, एंड आपको चिपसेट भी अच्छा दिया गया है, स्नैपड्रैगन का 780G ले लेते हैं और कैमराज भी 108 मेगापिक्सल का है। तो ओवरऑल आप देख सकते 20,000 रुपये में ये फोन आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रहा है, तो आई थिंक रेडमी अच्छा काम कर रहा है। एंड लेट्स सी, होप करते हैं जल्द से जल्द इसको रेडमी फोन लॉन्च करें, बिकॉज आप लोग बताए अभी चिपसेट की भी आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है चिपसेट की, दैट्स वाई हो सकता है कि फोन आप लोगों को थोड़ा और लेट हो जाए। तो हाँ याद रखिए जुलाई अगस्त तक इंतजार कर लीजिए अगर इसका फोन का इंतजार करना है तो। और Redmi का Note 10 Pro 5G भी आ रहा है, इतना लीक्स आई थी, तो अगर वो आता है तो फिर ये फोन और डिले होगा। तो याद रखिए ये सब चीज़ें जो वो समझनी पड़ेंगे, इतने सारे फोन लॉन्च होते हैं कि भाई पता ही नहीं कब क्या कौन फोन लॉन्च हो जाए। तो कमेंट करके आप लोग अपनी राय मुझे बता सकते हैं, और Redmi के Note 10 Pro 5G के बारे में आने वाला है कि नहीं, अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, मैंने बनाया भी है, नहीं देखा है वो भी जाकर से उसे देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने जो है वो A52 5G का भी बहुत सारे वीडियो बनाया, वो भी नहीं देखा है तो जाके वो भी देख सकते हो। तो हाँ Redmi की बात करूंगा तो Redmi Note 11 Pro अच्छा है, लेट्स सी, होप करते हैं अच्छा है। 20,000 रुपये के नीचे में अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम स्पेसिफिकेशन दे रहा है, अगर 20,000 रुपये में नीचे आता है ये फोन और स्पेसिफिकेशन के साथ आता है डेफिनेटली मार्केट में अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा चलने वाला है ये मार्केट में। और बट होप करते हैं अच्छा स्मार्टफोन हो, एंड Redmi का Note 11 Pro भाई प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे, कमेंट करके अपनी राय मुझे बता दीजिएगा। और Note 10 Pro Max देखिए Redmi Note 11 Pro Max भी आएगा तो वो भी मतलब भाई कितने स्मार्टफोन होंगे लॉन्च, अच्छी बात है हमारे लिए, अच्छा है हमारे लिए क्योंकि हमारे ऑप्शन बन जाते हैं, ये भी ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं, वरना पहले क्या होता था एक फ़ोन लॉन्च हुआ नोट 7 फिर नोट 7 प्रो, दो होते थे हाँ दो तीन होते थे ऐसे, बट अब तो भाई 3-4 होने लग गए, तो अच्छी बात है वैसे तो हमारे लिए, अच्छा है कि जिनको जो चाहिए वो ले सकता है अब।
बस गाइस, मैं बस इतना रखता हूँ, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।